हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे सेप्टेक टेक्निकल एनालिसिस में। आज हम स्टॉक पे चर्चा में डिस्कशन करेंगे कुछ ऐसे स्टॉकों की जिसमें हमारे पास क्यूरी आई है। लेकिन उससे पहले मेरा एक डिस्क्लेमर होगा कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी मैं स्टॉक का एनालिसिस करता हूँ, ओनली एजुकेशनल लर्निंग पर्पज़ से, ना कि ट्रेडिंग पर्पज़ से। अगर आप ट्रेड करते हैं तो उसमें हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ओनली जो भी ट्रेड करें अपने फाइनेंशियल और अपने रिस्क रिवार्ड के बेस पे ही ट्रेड करें। सेकंड थिंग, सबसे पहला जो स्टॉक है NMDC। NMDC में आप कल देख रहे हैं, कल अच्छा खासा ये राइज हुआ था। 2 दिन से ये बॉटम बना के घूम रहा है, तो क्या ये कहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा, क्या इसमें तेज़ी दिख रही है? तो इसका जो रेजिस्टेंस लेवल आके आया है, सबसे पहला रेजिस्टेंस है 126, 126, 127 के आसपास ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है और वहाँ से फिर से नीचे की तरफ आने की तैयारी करेगा। अभी मेटल शेयरों से दूर रहें और रेजिस्टेंस के आसपास जाए तो प्रॉफिट बुकिंग करें। 127, 133, 133 तक मैक्सिमम इसका राइज हो सकता है। लेकिन आज के जो लेवल हैं NMDC के, 122.10 पैसे के ऊपर सस्टेन करें तो 124, 125 तक जा सकता है। और जो इसका निचला लेवल है 120 के नीचे अगर सस्टेन करता है, 119.80 पैसे के नीचे अगर सस्टेन करता है तो इसमें हम गिरावट देखेंगे, जिसका टारगेट 118 और 116 तक जा सकता है। ये रहा NMDC की एनालिसिस। सेकेंड स्टॉक जो है अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड में ऐसा कोई ट्रेंड उभर के नहीं आया है जिसको बाय या सेल किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी ऊपरी लेवल पे है ये स्टॉक। तो अभी इसमें जो सपोर्ट है 135 के आसपास सपोर्ट है और ऑलमोस्ट अपना हाई बना चुका है, लेकिन यहाँ से कब गिरेगा या अभी ब्रेकडाउन का सिग्नल नहीं आया है, इसलिए जो पहले से लेके बैठे हैं वो या तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं या इसको होल्ड कर सकते हैं 135 के स्टॉप लॉस के बेसिस पे। तो सेकेंड स्टॉक अशोक लेलैंड। तीसरा हमारा है टाटा स्टील। टाटा स्टील में मैंने कल एनालिसिस किया था कि 601 और 608 तक मैक्सिमम जा सकता है। उसने मॉर्निंग के सेशन में ही उस लेवल को टच करके उसमें हमने गिरावट देखा अच्छा खासा। तो टाटा स्टील में स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म बॉटम बना चुका है। फिर भी टाटा स्टील का जो बाई लेवल है 587 के ऊपर सस्टेन करे तो बाई कर सकते हैं। 596 और 605 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलेगा। तो 606, 605 के आसपास इसको अगर गैप अप या किसी कारणवश उस प्राइस पे आता है तो आप वहाँ प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और रिस्क रिवार्ड के बेसिस पे इसको सेल भी कर सकते हैं 5-7 रुपये के पर्पज़ से। और सेल साइड में इनिशिएट करना है तो इसका 572 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 573, 572 पे। तो ये रहा टाटा स्टील। तीसरा स्टॉक है BEML। BEML में आप लोगों का इसमें बहुत बड़ी गिरावट देखी गई है और इसका जो रेजिस्टेंस है 1230 के आसपास, 1230 के आसपास इंट्राडे जो लेवल है 1115 के ऊपर अगर सस्टेन करे तो इसमें तेजी देखी जाएगी। 1160 तक इसका रेजिस्टेंस फेस करेगा ऊपरी लेवल पे। और सेल साइड में जो लेवल है 1090, 1085 के नीचे सस्टेन करता है तो 1060, 1036 पे जा सकता है। तो कल के सेशन में इसमें तेजी देखी गई है और जो कल का हाई है 1115 रुपी, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर प्राइस निकलता है तो हम इसका देखेंगे और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ में बाइंग भी हुआ है। तो जो बाई लेवल है टारगेट 1 जो है इसके ऊपर सस्टेन करता है 1115 के ऊपर, तो इसमें तेजी देखी जाएगी जो 1140 और 1160 तक लेके जा सकता है। तेरा हमारा BEML का DLF। नेक्स्ट स्टॉक जो है DLF। DLF में
फ्लैट बंद हुआ है कल और हाई से 3 रुपये नीचे बंद हुआ है, तो और लो के आसपास बंद हुआ है। तो इस स्टॉक में लो वॉल्यूम से गिरावट देखी गई है, तो लो वॉल्यूम से गिरावट देखी गई है, तो हो सकता है सस्टेन ना करे इस गिरावट को। इसमें जो तेज़ी आएगी, इसका जो सपोर्ट है 208 रुपये पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 208 रुपये पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और इस 223 तक लेके जा सकता है। 208 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 223 तक जा सकता है। तो आज का टारगेट भी दिख रहा है, एक्सटेंडेड टारगेट 223, 221, 223, 222, 23 तक जाए तो आप वहाँ प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। सेल साइड में 208 रुपये, 208 और 223, तो 208 पे आता है तो वहाँ से बाउंस भी आएगा और 223 आएगा तो वहाँ से नीचे भी आएगा। तो पोजिशनल ट्रेडर 223 के बेसिस पे, 222 के बेसिस पे इसको सेल कर सकता है और 208 के बेसिस पे बाई कर सकता है। तो ये रेंज होते हैं एक्चुअली वोलेटिलिटी के बेसिस पे, और यहाँ पे फिबोनाची के बेसिस पे भी आपको रेंज दिख रहा है। और ये कल जो गिरावट देखी गई है, अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ गिरावट नहीं देखी गई है, इसका मतलब कि गिरावट सस्टेन नहीं रहेगा। 208 के, 210 के स्टॉपलॉस के बेसिस पे अगर आसपास मिलता है नियर बाई तो बाई किया जा सकता है फॉर इंट्राडे पर्पज से। अगर गैप अप खुलता है तो इसको अवॉइड करना होगा। 221-22 आए तो वहाँ पे 2-3 रुपए के लिए शॉर्टिंग भी किया जा सकता है। ये मेरा व्यू है, ट्रेडिंग अपने एनालिसिस और फाइनेंशियल एडवाइजर के बेस पे ही ट्रेड करें। हिंडाल्को, मैं इस वीडियो के माध्यम से जो भी लेवल एनालिसिस कर रहा हूँ ओनली मेरा व्यू हो सकता है, ट्रेडिंग अपने एनालिसिस के बेस पे ही करें। हिंडाल्को में शॉर्ट बिल्डअप देखा गया है, कल के सेशन में 2.5% का शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, 11,58,000 शेयर ऐड हुए हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में, और इसका जो सपोर्ट है 218 पे सपोर्ट है वो तोड़ चुका है, 203 पे नेक्स्ट सपोर्ट जो है 203-204 के आसपास है। तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी लेना हो तो 213 के नीचे जाए, 213 के नीचे तो 210, 208 तक जा सकता है। सेम ऊपरी रेंज में जाए तो 216 के ऊपर जाए तो 218, 221 तक जा सकता है। ये रहा हिंडाल्को का लेवल। नेक्स्ट है आपका जैन इरिगेशन। जैन इरिगेशन में जो वाई लेवल आके आया है 108 के ऊपर सस्टेन करता है, 109, 111 के टारगेट के लिए इसको बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो होगा 105 और 6 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, और सेल साइड में इनिशिएट कर सकते हैं, उसका टारगेट होगा 102 के आसपास का। इंडसइंड बैंक, इंडसइंड बैंक में शॉर्ट कवरिंग रैली देखी गई है, तो शॉर्ट कवरिंग रैली सस्टेन नहीं करेगा, फिर से इसको नीचे की तरफ खींच के लाएगा। लेकिन इंडसइंड बैंक में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है 1700 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अभी स्टॉक अपर रेंज में ही है, और इसमें जो बड़ी गिरावट देखी जाएगी 1600-1700 के लेवल टूटे तो ही गिरावट देखी जाएगी। और आज यदि 1726 के नीचे सस्टेन करता है, 24 के नीचे, तो 1711 तक आ सकता है। सेम जो ऊपरी लेवल पर रेजिस्टेंस है 1751-52 के आसपास या 47 के आसपास रेजिस्टेंस देखा जाएगा, 1738 के ऊपर स्ट्रांग हो जाएगा और 1746 और 1750 के आसपास का स्ट्रांग रेजिस्टेंस देखी जाएगी इंडसइंड बैंक में। लास्ट स्टॉक है जुबलेंट फूडवर्क। जुबलेंट फूडवर्क में, जुबलेंट फूडवर्क में भी शॉर्ट कवरिंग रैली देखी जा रही है, और ये जुबलेंट फूडवर्क में शॉर्ट कवरिंग रैली देखी जा रही है, लेकिन 52 वीक जो हाई है उस हाई से 1970 के ऊपर ये ब्रेकआउट किया हुआ है और इसमें तेजी देखी जा सकती है, लेकिन इसको बाई नहीं करना है और इस लेवल पे शॉर्ट भी नहीं करना चाहिए। तो जुबलेंट फूडवर्क में जो अपर रेंज है, अगर इंट्राडे के पर्पज से किसी को शॉर्ट करना है तो
2275 के आसपास का टॉप बनता है, 2275 और 2260 के बीच में, तो वहाँ से 20-30 पॉइंट नीचे आने के चांसेज हैं। इंट्राडे के पर्पज़ से आप वहाँ 10-20 पॉइंट के लिए शॉर्ट कर सकते हैं। सेम 2138 के आसपास बॉटम बनता है इंट्राडे में, तो वहाँ पे बाई कर सकते हैं या शॉर्ट पोजीशन है तो कवर कर सकते हैं। तो ये रहा आज के लिए इंट्राडे के पर्पज़ से, और जितने भी स्टॉक एनालिसिस के लिए मेरे पास जो लोगों ने क्वेश्चन किए थे उसका मैंने पूरा जवाब देने की कोशिश किया। अगर इसमें किसी का क्वेश्चन छूट गया होगा तो मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ, दोबारा से आप क्वेश्चन पुट कर दीजिएगा, मैं दोबारा से उसका जवाब दूंगा। तो ये रहा आज की एनालिसिस फॉर स्टॉक, और जो भी मैंने एनालिसिस किया है ओनली एजुकेशनल लर्निंग पर्पज़ से, ना कि ट्रेडिंग पर्पज़ से। अगर ट्रेड करते हैं तो उसमें हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। ओके, थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। ओके, बाय।